वेलकम फ्रेंड, पिछले वीडियो में जो रिमोट कंट्रोल सर्किट बनाया था उस सर्किट को मैं खुद मेरा घर पे इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रहा था। जब रिमोट को इस्तेमाल करता हूँ तब स्विच बोर्ड काम नहीं करता है, एंड जब स्विच बोर्ड से स्विच को इस्तेमाल करके लाइट को ऑन करता हूँ तब रिमोट से ऑफ नहीं कर पाता हूँ, मतलब तब रिमोट का कोई काम नहीं है, दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। अगर बेड से रिमोट को इस्तेमाल करके कोई भी लाइट को ऑन करता हूँ एंड काम होने के बाद अगर मैं रिमोट के पास नहीं हूँ तब मेरे को फिर से रिमोट के पास जाना पड़ेगा लाइट को ऑफ करने के लिए, एंड हर टाइम रिमोट को साथ लेकर घूमना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब मैं सेम सर्किट को इस्तेमाल करके रिमोट एंड स्विच दोनों को इस्तेमाल करके मैं अप्लायंस को कंट्रोल करना चाहता हूँ, मतलब रिमोट से ऑन करके स्विच से ऑफ कर सकता हूँ एंड स्विच से ऑन करके रिमोट से ऑफ कर सकता हूँ। तो आज इसी सिस्टम का कंप्लीट कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो आप सर्किट बोर्ड को देख सकते हो, सब कुछ सेम है, कोई चेंजेस नहीं किया है। तो चलिए सेम सर्किट को इस्तेमाल करके टू वे कनेक्शन कर लेते हैं। बहुत लोग इस कनेक्शन के बारे में जानता है, लेकिन कुछ ऐसा बंदा है जो इस कनेक्शन के बारे में नहीं जानता है, तो इसीलिए मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। पहले जरूरत होगा टू वे स्विच, इसको SPDT मतलब सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच भी कहा जाता है। इस स्विच पे 3 स्क्रू टर्मिनल होता है, मिडिल का टर्मिनल कॉमन टर्मिनल होता है एंड मिडिल का दोनों साइड पे जो दोनों टर्मिनल होता है स्विच की पोजीशन के हिसाब से उस पे आउटपुट मिलता है। एंड यहाँ पे कुछ वायर की जरूरत होगा कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे जो रिले है इसका भी 3 AC टर्मिनल होता है, एक है NC मतलब नॉर्मली क्लोज, दूसरा है कॉमन एंड फाइनली तीसरा है NO मतलब नॉर्मली ओपन। एंड टू वे कनेक्शन करने के लिए एक कॉमन एंड दो अलग आउटपुट टर्मिनल की जरूरत होता है। पहले कॉमन टर्मिनल को छोड़ के बाकी दोनों टर्मिनल पे वायर का कनेक्शन करना होगा, एंड इसी सेम तरीके से स्विच में कॉमन टर्मिनल को छोड़ के बाकी दोनों टर्मिनल पे वायर की दूसरी साइड को कनेक्शन करना होगा। इसके बाद लाइट का एक वायर स्विच का कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। इसी सेम तरीके से सभी स्विच का कनेक्शन कर लेते हैं। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे 3 चैनल इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये सभी 4 चैनल पे काम करेगा, एंड मैं यहाँ पे दूसरी चैनल को छोड़ के 3rd चैनल पे नेक्स्ट कनेक्शन करता हूँ, इससे वायर को कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कनेक्शन हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद सर्किट में पावर सेंसर एंड रिसेट स्विच को कनेक्ट कर लेता हूँ। एंड फाइनली ये 2 पिन प्लग एंड वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ लाइट को सप्लाई देने के लिए। एक वायर को सभी रिले का कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा एंड दूसरी वायर को सभी लाइट का कॉमन कनेक्शन पे कनेक्ट करना होगा। एंड यहाँ पे है मेन AC सप्लाई। तो आप देख सकते हो स्विच ऑन करते ही एक लाइट ऑन हो चुका है, क्योंकि सिर्फ इसी लाइट का स्विच अभी ऑन पोजीशन पे है। अब इस लाइट को रिमोट से एंड स्विच से दोनों से भी एक साथ कंट्रोल कर सकते हो, मतलब रिमोट से ऑन करके स्विच से ऑफ कर सकते हो एंड स्विच से ऑन करके रिमोट से ऑफ कर सकते हो, मतलब दोनों से ही कंट्रोल कर सकते हो।
अगर मैं रिमोट कंट्रोल सर्किट को ऑफ कर देता हूँ फिर भी ये मैनुअल स्विच काम करेगा। तो आप देख सकते हो मैंने रिमोट कंट्रोल सर्किट का पावर को डिस्कनेक्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी आप इस स्विच से इस लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। यही है टू वे कनेक्शन। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।